हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट डेली आपको शाम को 8 बजे क्लास मिलती है 8 PM पर, रेलवे गणित की क्लास। जी हाँ, रेलवे गणित की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का हमारा टॉपिक यहाँ पर फिलहाल चल रहा है और इसकी हो जाती है आज 5th यानी कि लास्ट क्लास। तो करीब करीब 34-35 सवाल का हमारा जो टारगेट था इस टॉपिक को लेकर। ऐसे सवाल जो सवाल आप एग्जाम में या तो कंफ्यूजन में रहते हैं, गलत कराते हैं या फिर छोड़ आते हैं। और इसी तरह के नंबर सिस्टम में आज की डेट में आप जो समय चल रहा है नंबर सिस्टम में, वो पुराने टाइप के सवाल अब नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सीरीज यहां पर हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम नंबर सिस्टम का 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करना ना करना वो आपकी अपनी मर्जी है, बट शेयर जरूर से कर दीजिए, ठीक है। शेयर की ज्यादा जरूरत है, क्लियर। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी डिविजिबल बाय 7 टू द पावर n, वेयर n इज एन इंटीजर, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। प्रथम यदि प्रथम 50 लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल 7 की पावर n से पूर्णतया विभाजित हो, जहां n एक पूर्णांक है, तो n का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। तो 7 के कितने मल्टीपल बनेंगे, 7 है, 14 है, 50 तक 21, 28, 35, 42 और 49, ठीक है। कितने बनेंगे, एक तो 7 यहां हो गया, यहां 2 × 7 ये हो गया, एक 3 × 7 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 7, ये 5 × 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 6 × 7 और ये हो जाएगा 7 × 7। तो 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 और 1, 8, क्योंकि 7 × 7 49 की अगर बात करें तो कितने हैं यहां पर, यहां पर 2 है, 7, 7, 49 2 है ना। तो कुल मिलाकर कितने मल्टीपल बनेंगे, 8 बनेंगे। तो हमारा n का अधिकतम संभावित मान कितना होगा, सी ऑप्शन 8 यहां हमें आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर रहेगा, सी ऑप्शन 8 यहां हमें आंसर मिल जाएगा इस प्रकार से, क्लियर। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से ये सॉल्व होगा, पहला सवाल, ठीक है। दूसरे सवाल पर अगर आते हैं तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या कहता है, शेयर जरूर से कर देना बच्चों। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 80 इज डिवाइडेड बाय 7। 75 की पावर 80 को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब 75 की पावर 80 आपको दी गई और किससे विभाजित करने की बात कर रहा है, वो 7 से विभाजित करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि शेषफल कितना होगा, है ना। अब 75 की पावर 80 तो आप सॉल्व नहीं करोगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि पावर पर ध्यान दीजिए कि पावर क्या है, इवन है या ओड है। इवन है तो आप 2 रख लीजिए, तो क्या रखेंगे आप, 75 की पावर 2 रख लीजिए। अब इसको भी करने में थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही, 75 की पावर 2। हालांकि इसको भी करने की ट्रिक है कि 7, 8, 56, ठीक है, 7, 8, 56 और 56, 25 करके बनता है ना। तो क्या करना है आपको, ये भी नहीं करना, केवल यूनिट डिजिट पर जाइए और यूनिट डिजिट क्या है, 5, और 5 की पावर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 को आप 7 से भाग कीजिए, और 25 को 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21 कितना शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा स्टूडेंट, कितना बच जाएगा यहां पर, 4 शेष बच जाएगा, बचेगा ना, 7 × 21 शेष कितना बचेगा, 4। तो 4 हमारा यहां पर आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन में, समझ में आई ना बात। तो 75 की पावर 80 नहीं सॉल्व करना, 75 की पावर 2 नहीं सॉल्व करना, यूनिट डिजिट उठाइए 5 और 5 का कर दीजिए स्क्वायर, जो कि होगा 25, जिसको 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, शेष कितना होगा, 4 यहां पर हमें सही आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट ऑफ ए 2-digit number is 10, इफ वी एड 18 टू दिस नंबर वी गेट अनदर नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर द ओरिजिनल नंबर इज, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए
समझिए इस सवाल को, दो अंकों की एक संख्या के अंकों के वर्गों का जोड़ 10 है। अब दो अंकों की एक संख्या है तो उसके अंकों के वर्गों का योग 10 कब है? ऑप्शन यहां पर आपको 31 दे रखा है और एक 13 दे रखा है, 64 नहीं होगा और 46 भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का वर्गों का योग 10 नहीं होगा। ये तो खुद ही 10 बन रहा है तो अंकों के वर्गों का योग तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो कब बनेगा? 31 और 13 बन जाएगा क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, ये 10 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, 10 हो जाएगा। बट इनमें कौन सा सही आंसर है ये देखने वाली बात है। जब हम इस संख्या में 18 जोड़े तो प्राप्त संख्या का अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। अब जोड़ने की बात की गई तो 13 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 31 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 31। तो स्टूडेंट आप आंसर क्या लगाएंगे? यहां पर 13 आंसर लगाएंगे, 31 नहीं होगा, 13, क्योंकि 18 जोड़ने के बाद 31 बन रहा है। समझ रहे हैं ना कि 13 में 18 जोड़ने के बाद 31 बना। अगर ये कहता कि उस संख्या में से 18 घटा देते हैं तो अंकों के मान आपस में बदल जाते हैं, तब आप आंसर 31 बनाएंगे क्योंकि 31 में से 18 घटाएंगे तो 13 बनेगा और 13 क्या होगा? उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाएंगे। बट यहां पर बोला जोड़ने की बात, तो 13 में 18 जोड़ने पर 31 बनेगा, सो आंसर आप 13 यहां पर लगाकर चलेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरीके से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर 763 एक्स 4 y2 9 से विभाज्य है, आर पॉसिबल इन द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो बताइए x और y के ऐसे कितने युग्म संगम है, संभव है, ठीक है। अब समझिए बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए अब 9 से डिविजिबल के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए? हमें 9 से डिविजिबल के लिए यहां पर इनके अंकों का योग एक ऐसे नंबर चाहिए जो 9 से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। 7, 6, 13, 13 और 3, 16, 16 और 4, 20 और 2, 22 बना, ठीक है, 22 बनेगा। अब x और y की जगह कुछ ऐसी संख्या रखिए जो ये 9 से डिविजिबल संख्या बना दे, यानी कि 5 रख देते हैं तो कितना बन जाएगा? 27। यानी कि x और y का सम जो होगा अगर 5 होगा तो 27 बन जाएगा, ठीक है। अब 5 यानी कि क्या बोला? x और y ऐसे कितने युग्म संगम संभव है, तो x और y कितनी तरीके से बनाया जा सकता है? x और y, ठीक है, 5 कितनी तरीके से आप लिख सकते हैं? 1 और 4, 2 और 2, ठीक है, 1, 3 और 2, 2 और 3, फिर तो रिपीट ही हो जाएगा ना, केवल दो ही तरीके से बना, 1, 4 और 2, 3, फिर 3, 2 हो जाएगा, फिर 4, 1 हो जाएगा, केवल दो ही पेयर बन पाएंगे। लेकिन यहां पर पूछा गया कि कितने युग्म बनाए जा सकते हैं और दो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि 5 अगर हमने यहां पर वैल्यू रखी है तो वो गलत है। आपको क्या रखना है यहां पर? 27 के बाद जो अगली संख्या बनेगी स्टूडेंट वो बनती है 36, 9 से कटने वाली, ठीक है। तो 36 रखने के लिए आपको यहां पर क्या चाहिए? यहां पर रखना होगा 14, 14 रखेंगे तब यहां पर 36 बन जाएगा। अब 14 कितनी तरीके से बनाया जा सकता है? 1, 13, 2, 12, 3, 11, 4, 10, ठीक है, फिर 5, 9, 6, 8, 7, 7 कितने तरीके से बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 14 बनाना है ना, तो एक 0 और 14 छोड़ दिया मैंने, 0 और 14, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ, तो 8 बन जाएंगे। तो कितने पेयर बनेंगे हमारे? 8 पेयर्स यहां पर बनेंगे। कितने पेयर्स बने? 8 पेयर,
ठीक है, और ऑप्शन से हमारा आंसर मैच भी कर जाएगा, तो सात भी नहीं बनेंगे, ठीक है, जीरो से भी लेकर चलना, जीरो एक यहां पर भी लेना पड़ेगा आपको, जीरो और पांच, जीरो और पांच, ठीक है, कितनी तरीके से पांच बनाया जा सकता है, अगर पांच की बात कर रहे थे हम, पांच की बात, तो जीरो पांच, एक चार, दो तीन, तीन बनेंगे, और लेकिन उससे ज्यादा आठ बन जाएंगे अगर हम यहां चौदह रखते हैं, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे कि 17 के पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब शेषफल की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट करना क्या है इसमें, केवल 17 रखिए, केवल 23 रखिए और केवल 29 रखिए और उसको 23 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या पावर तो ओडी है ना, ओड है तो वन रखेंगे, 17 की पावर एक 17, 23 की पावर 23, एक 23, 29 की पावर एक 29, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 और 69 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन बार कैंसिल हो जाएगा और कितना शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा स्टूडेंट यहां पर शेष कितना बच जाएगा, जीरो, क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा, क्लियर। सो इस तरीके से आपके ये सभी क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास ये थी आपकी फिफ्थ क्लास नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, तो क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा। पांच क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम के उन सभी सवालों को सॉल्व कराया जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, शेयर जरूर से करके चलें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक ले गुड बाय, थैंक यू।